नमस्कार, वे दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मोदी ने तमिलनाडु के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारी बारिश से आई बाढ़ का जायजा लिया। दूसरी ओर संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि तमिलनाडु में अब तक 269 लोगों की मौत हुई है। चेन्नई में हालांकि बुधवार रात से बारिश नहीं हुई है, लेकिन राजधानी के पास चेम्बरम बक्कम झील से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने से कई इलाकों में जल स्तर बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक चेन्नई के आसपास 35 झीलों में पानी खतरे के निशान से ऊपर है। जस्टिस ठाकुर बने भारत के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यायमूर्ति ठाकुर को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति ठाकुर ने न्यायमूर्ति HL दत्तू का स्थान लिया है, जो बुधवार को ही सेवानिवृत्त हुए हैं। न्यायमूर्ति ठाकुर उच्चतम न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एंटी एजिंग दवा से जी सकेंगे 120 साल तक, वैज्ञानिकों ने खोजी दवाई। वैज्ञानिकों ने ऐसी एंटी एजिंग दवाई बनाने का दावा किया है जिससे बढ़ती हुई उम्र में न सिर्फ चुस्त दुरुस्त रहा जा सकेगा, बल्कि इसके इस्तेमाल से उम्र को 120 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा की खोज की है जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में मदद के साथ कोशिकाओं के विभाजन की अनिवार्य प्रक्रिया को भी धीमा करती है। उम्र बढ़ने के लिए इन्हीं दो कारणों को प्रमुख माना गया है। कैलिफोर्निया में बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग से जुड़े प्रोफेसर गॉर्डन लिथगो ने बताया कि वह पिछले 25 वर्षों से इस मुद्दे पर शोध कर रहे हैं और कई उत्साहवर्धक नतीजे सामने भी आए हैं, लेकिन अभी किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने से पहले कई अहम चरण पार करने हैं। अलकायदा ने यमन के दो शहरों पर किया कब्जा। आतंकवादी संगठन अलकायदा ने दक्षिणी यमन के दो शहरों पर फिर से कब्जा जमा लिया है। स्थानीय निवासियों और लड़ाकों ने बताया कि आतंकवादियों ने अभियान प्रांत की राजधानी जंजीबार और पड़ोसी शहर जार पर सुबह हमला किया और लाउड स्पीकर पर दो शहरों पर कब्जा करने की घोषणा की। अलकायदा ने 4 वर्ष पहले भी कुछ समय के लिए इन शहरों पर कब्जा जमाया था। धन्यवाद भाषण में धोनी को भूल गए वीरेंद्र सहवाग। विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने BCCI द्वारा गुरुवार को यहां फिरोज शाह कोटला मैदान में उन्हें सम्मानित किए जाने के बाद अपने धन्यवाद भाषण में सभी भारतीय कप्तानों का नाम लिया, लेकिन उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के नाम का जिक्र तक नहीं किया। दिल्ली के इस क्रिकेटर ने सम्मानित किए जाने के बाद अपने धन्यवाद भाषण में रणजी कप्तानों से लेकर सभी भारतीय कप्तानों, ग्राउंडमैन तथा अंपायर तक का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने धोनी का नाम तक नहीं लिया। इसके बाद फिर से यह चर्चा गर्म हो गई है कि सहवाग और धोनी के बीच टीम में एक साथ रहने के दौरान मतभेद हुआ करते थे। हालांकि सहवाग ने इस बात से हमेशा इनकार किया था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।